श्री शिवाय नमस्ताभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पर रख दें, पूरी दुनिया तलवे चाटेगी आपके। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जो उपायों को करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है या आपको किसी काम में कामयाबी ना मिलती हो या फिर आपके कार्य बनते बनते अटक जाते हो, तो दोस्तों आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। दोस्तों ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। पूज्य गुरुजी के अनुसार इन उपायों को बताया गया, जो हम आपको काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, ज़्यादातर लोगों का सपना अमीर बनना होता है। लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास सुंदर घर हो, आलीशान कार हो, मकान हो और शानदार छुट्टियाँ बिताने के लिए पर्याप्त धन हो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि अमीर होना वास्तव में क्या मतलब होता है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि खूब सारा धन पाना चाहते हैं तो आप दालचीनी का टोटका जरूर अजमाएं। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए आप दालचीनी के पाउडर को लेकर उस पर से 7 बार अगरबत्ती को एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँ, फिर दालचीनी पाउडर को अपने पर्स में रख लें, तिजोरी में छिड़कें और बचे हुए पाउडर को घर के मंदिर में रख लें। यह उपाय हफ्ते में 2 बार करें, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। इससे धन की आवक बढ़ने लगेगी। साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर झाड़ू का दान कर दें, साथ ही कनक धारा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, साथ ही कन्याओं को खीर का प्रसाद बाँटें, इससे धन बढ़ने लगता है। यदि धन पाने का एक अचूक टोटका सूखे धनिए का टोटका है, दोस्तों इसके लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार को एक मिट्टी के बर्तन में साबुत सूखा हुआ धनिया और 21 रुपए के सिक्के डालकर ऊपर से उस पर मिट्टी डाल दें, फिर इन्हें मिलाकर थोड़ा सा इसमें पानी छिड़क दें और इस बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें। दोस्तों साथ ही रोज़ इसे थोड़ा सा पानी दें। अब जब धनिया उग जाए तो उसे उपयोग में ले लें और साथ ही सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी या गल्ले या फिर अपने पर्स में रख लें। दोस्तों इससे जल्दी धन की आवक बढ़ती है। हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और फिर तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करें, फिर माता तुलसी से अपनी मनोकामना बताते हुए उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना करें, जल्दी आपकी मुराद पूरी होगी। साथ ही दोस्तों शाम के समय सरसों के तेल में अखंडित लौंग रखकर किसी निर्जन स्थान पर जला दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, साथ ही धन दौलत की आवक बढ़ती है, ईष्ट देव का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें और एक खाली पात्र अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दें, जहाँ से जलाधारी बहकर नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं उसी जल को आप खाली पात्र में रोक लें और फिर इस जल को अपने घर लाकर आप इसे अपने कमरे में या अपने बेडरूम में जहाँ पर आप सोते हों उस जगह पर रख दें। उसी रात में आपको सोने से पहले इस जल को अपने पूरे घर में और घर के मेन दरवाजे पर छिड़क देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही घर से नकारात्मक शक्ति का वास होता तो वो भी घर में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। यदि आप लाख कोशिशों के बावजूद भी घर में पैसा नहीं रुक पा रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें। हर सोमवार या फिर शनिवार को थोड़े से गेहूँ में 11 पत्ते तुलसी के और 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। बाद में इस आटे को संपूर्ण आटे में मिला दें। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। साथ ही यदि घर में माँ लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए एक लोहे के बर्तन में थोड़ा सा जल, चीनी, दूध व घी का मिश्रण कर लें। अब इस मिश्रण को पीपल के
पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें। इसको करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए एक मिट्टी के उत्तम बर्तन में कुछ सोने व चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रख दें। इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल से भरे हुए कट्टे में या बर्तन में आप रख कर उसे उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वहाँ कभी भी कोई आवक नहीं रहती। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के सामने सोने के जेवर रखें और उन पर केसर का तिलक लगाएं। फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करें एवं माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु के ओम लक्ष्मीपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र को दोबारा सुनें, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ये मंत्र है, ठीक है। अब देखिए, बंद किस्मत के ताले को खोलने के लिए आप सबसे पहले ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या फिर लोहे का ताला खरीद कर ले आएं। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, ताला खुला नहीं हो। ताला खरीदते समय उसे न खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें, ठीक है। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी आप ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएँ। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि करके सभी कामों से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या फिर देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे आप वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही दोस्तों कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाल किताब का जाना माना प्रयोग है, जो अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।